हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूतिभूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो भाई, आज का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जिन भाई ने अभी नया पिजन शौक किया है और कुछ भाई पुराना भी शौक कर रहे हैं, तो इनके लिए बेस्ट टॉपिक है ये। तो कैसे आज का जो टॉपिक है, तो भाई हमारा जो पिजन रहते हैं, तो कैसे हमको जो लॉट में जो भी कबूतर हम पाले हैं भाई, 20 हो 50 हो 100 हो 500 हो 1000 हो, जितने भी पिजन हमारे लॉट में है, तो भाई कैसे उनको 12 महीने पूरा 1 साल उनको बीमारी नहीं आएगा। तो हमको क्या ऐसे देंगे कि हमारा कबूतर में बीमार कभी नहीं आएंगे। अगर हमेशा लॉट में एक एक लॉट में देखेंगे कि भाई अभी पिजन बीमार था, 1-2 महीने के बाद फिर से बीमारी, फिर 1 महीने के बाद फिर से बीमारी, और कुछ भाई नया रखे हैं तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे भाई ये यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो और अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आते हैं कुछ नया शौकीन है, तो उनको नॉलेज नहीं रहता है अगर कुछ भी, तो बहुत सारे डिस्कशन होता है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो यूट्यूब में आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप भी सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा मेडिसिन कौन सा नुस्खा आपको डालना है। तो फिलहाल आज का जो भाई टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भाई हमको पूरा 1 साल 12 महीने के अंदर कैसे हमारा कबूतर फिट रहेंगे, बीमारी लॉट में नहीं आएगा, तो क्या नुस्खा क्या मेडिसिन हम डालेंगे तो भाई हमारा पिजन सुस्त रहेंगे। भाई पहले आपको मैं बताऊंगा कि भाई लॉट में बीमारी पहले कैसे आते हैं। अगर भाई कोई नया भाई अगर पिजन अभी रखना शुरू किया है, नया शौक किया है, तो भाई कैसे बीमारी आता है, तो भाई देखिए, हमेशा भाइयों को नॉलेज नहीं होता कि भाई हम अगर पिजन का शौक अभी कर रहे हैं तो भाई क्या करते हैं, मार्केट से लाते हैं, जहाँ पर मार्केट हो, जहाँ पर जो लोग शौक के लिए शॉप डाले हैं, तो पिजन का शॉप डाले हैं, तो भाई उनके पास क्या होता है, बहुत सारे बीमार हुआ कबूतर आ जाते हैं। तो भाई कोई अगर भाई मेरा नया शौक कर रहा है तो उनको भाई इतना बहुत नॉलेज नहीं कि उसको ये बीमारी हो गया, तो भाई वो पैसा लगाते हैं, उनका टाइम लगाते हैं, वो पैसा लगाते हैं, तो भाई उनको नॉलेज नहीं होता है, क्या होता है वो नया कबूतर खरीद के लाते हैं, तो भाई उसके अंदर बीमारी होता है, तो हमारे लॉट में जितने भी कबूतर है वो भाई पूरा ख़राब हो जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, बहुत सारे कबूतर मर जाते हैं। तो ये भाई एक मेन पॉइंट हुआ। और जो भाइयों को भी मालूम नहीं रहता है कि हमारा पिजन अगर भाई रखें, पुराने भी रखें, तो उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे बीमारी हो गया है कबूतर को, तो भाई एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा वीडियो के बारे में। तो भाई आपको हमेशा पिजन अगर बीमार में गया है, अगर आपका कबूतर बीमार हो गया है, तो अगर आप जहाँ भी जाते हैं कबूतर खरीदने के लिए, तो भाई उसका लॉट को पहले देखिए कि लॉट में कुछ पानी वाला बीट हो रहा है, या कुछ पतला वाला बीट कर रहे हैं, या कुछ ग्रीन बीट कर रहे हैं, वहीं से आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये लॉट में या पेटी में या ये शॉप में या मार्केट में भाई पिजन को ऑलरेडी बीमार हुआ है वो पिजन, और वो पतला वाला बीट कर रहे हैं, ग्रीन बीट कर रहे हैं। आपको वहीं, मतलब आपको भाई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका आप ऐसे मतलब कबूतर रख के आप ऐसे उस्ताद हो जाएंगे, अगर आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको भाई इजीली मालूम चल जाएगा कि भाई ये पिजन बीमार है, आपको देख के ही मालूम चल जाएगा। बहुत लोग भाई पकड़ते हैं, देखते हैं, चोंच देखते हैं, वो उसका हड्डी देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं कि भाई बीमार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई आपको मैं बारीक से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अगर आप जहाँ भी जाते हैं पिजन खरीदने के लिए, तो भाई फास्ट देखिए जहाँ भी रखा हुआ ना, वो बीट ही कर रहे होंगे, अगर पानी वाला बीट कर रहे हैं, ग्रीन बीट कर रहे हैं, पतला वाला बीट कर रहे हैं, तो भाई वो फिलहाल वो पिजन बीमार में है ऑलरेडी। अगर थोड़ा बॉडी को फुला के बैठता है, झुक के बैठा रहे, गर्दन को गर्दन के ऊपर और उसका सिर के ऊपर जो पर वगैरह रहते हैं उसको थोड़ा उठा के रखता है, बॉडी को फुला के रखता है, आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि भाई ये पिजन बीमार में है। और आपको मेनली एक पॉइंट, अगर आपको इतना भाई नहीं देखना है, बीट अगर देखेंगे सही बीट कर रहे हैं, तो भाई पिजन आपका 100% ठीक है। अगर बीट पतला बीट कर रहे हैं भाई, वो बीमार में है। अगर आप खरीद के भी ले आए तो उसको कैसे संभालेंगे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डालूंगा। तो मेनली भाई टॉपिक जो है आज का, तो कैसे हमको 12 महीने कबूतर को भाई पूरा सुस्त रखेंगे। तो फिलहाल आपको क्या ऐसे करना पड़ेगा कि आपका पिजन में कभी बीमारी नहीं आएगा, तो भाई बताने के लिए तो भाई बहुत सारे पॉइंट है। तो भाई पिजन रखना इतना है, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर कि ये दो दो, ये मेडिसिन दो दो,
ये मेडिसिन ये नुस्खा आजमायो, ये मेडिसिन दो आप, आपका पिजन भाई, पिजन रखना इतना इजी नहीं है, उनको प्रॉपर टाइमिंग में विटामिन और कैल्शियम, और आपको डिवर्मिंग करना चाहिए, वैक्सीन करना चाहिए, कब सर्दी आता है मौसम में, कौन सा मौसम में कौन सा दाना देना पड़ेगा, सर्दी के मौसम में कैसे आपको उनको फीडिंग करवाएंगे, हर एक एक पॉइंट आपको मैं हर टॉपिक में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो भाई टॉपिक है, आप आपके कबूतर को कैसे सुस्त रखेंगे और क्या देंगे, तो आपका पिजन भाई हमेशा सुस्त रहेंगे। मैं हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो, अच्छा टॉपिक सोच सोच के आपके लिए बनाता हूँ, और कुछ भाई भी कमेंट देते हैं कि भाई ये टॉपिक मेरे लिए कुछ बना, तो फ्री टाइम में बना देता हूँ। तो भाई आपको क्या फर्स्ट आपको लेना है, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन, तो मेडिसिन अगर बताता हूँ उसके बारे में भी भाई बताना भी मेरा फर्ज है। तो एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन भाई एक एंटीबायोटिक है, आज के डेट में इंडिया में भाई जितने भी एंटीबायोटिक है अभी तक, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन उसके ऊपर बाइट्रिल भी 10% रहता है, एन्ड्रोसिन भी रहता है, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन भी रहता है। तो भाई एक ही चीज़ है, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन लिक्विड आता है, वो बेस्ट एंटीबायोटिक है आज के डेट में इंडिया के मार्केट में जितने भी भाई एंटीबायोटिक है, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन इज द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर ओनली फॉर वेट। हम लोग भाई जो देते हैं ह्यूमन की देते हैं भाई, सिप्लॉक्स दिया, क्लाबोम दिया, अमोक्सिलिन दे दिए, पारासीटामोल दिए, बहुत सारे बताने के लिए भाई, बहुत सारे हॉस्टासाइक्लिन हो, हॉस्टासाइक्लिन 500 हो, रेस्ट्रिक्शन हो, बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं। ये भाई वेट के लिए और वेटनरी सिर्फ हमारा एनिमल्स बार्स के लिए ये भाई कारीगर चीज़ है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। ये भाई फास्ट हुआ एंड्रोफ्लॉक्सासिन, आपको ये एक एंटीबायोटिक है, आपको ये देने से आपके पिजन में लकवा का बीमारी आता है, गर्दन टेढ़ी करते हैं, और पारामक्सी वायरस आते हैं, और जो ग्रीन बीट करते हैं, पतला बीट करते हैं, बहुत सारे बीमारी आते हैं, जो मेन मेन बीमारी आपका जो आ जाता है, तो ये बीमारी आपके लॉट में कभी भी नहीं आएगा, साल के अंदर कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो यूज भी करना भी, ये थोड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक है, आपको यूज भी भाई सही तरीके से करना है, थोड़ा ऊपर नीचे की, आपका कबूतर थोड़ा बहुत जो सुस्त होंगे ना वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपको भाई एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन लेना है, उसके साथ भाई ली 52 लेना है, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन और ली 52 और भीमराल। ली 52 भाई हमको हाजमा के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, और भीमराल वो विटामिन के लिए, विटामिन की जो कमी रहता है वो फुलफिल करेगा हमारा पिजन को। तो भाई तीन चीज़ देना है, एक एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, उसके साथ भीमराल और उसके साथ ली 52, तीनों चीज़ देना है भाई। कैसे देना है, 1.5 लीटर पानी ले लिया आपने, 1.5 लीटर पानी भाई 40 कबूतर के लिए परफेक्ट है, 1.5 लीटर पानी, अगर वो पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको ज़्यादा पानी उसके अंदर मिक्स कर देना है वही मेडिसिन के पानी में। तो आपको भाई कैसे देना है, 1 महीने में भाई 3 दिन, 1 महीने में 3 दिन या 2 महीने में 3 दिन, रेगुलर जो भी मेडिसिन आप देंगे 3 दिन देंगे। अगर आप 1 महीने में 3 दिन ये कोर्स चालू करते हैं, तो भाई आपका पिजन में लॉट में इतना जो वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारी, बड़ा बड़ा बीमारी आता है, लकवा बीमारी, बहुत सारी बीमारी आपको पहले मैं बताया हूँ, ये बीमारी आपके लॉट में नहीं आएगा। तो बेस्ट एंटीबायोटिक है, तो आपको कैसे यूज करना है भाई, 1.5 लीटर पानी में एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन, जो एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन होता है 1 ढक्कन, और भीमराल 1 ढक्कन, ली 52 1 ढक्कन, तो भाई 3 ढक्कन आपको 2 लीटर पानी में, ठीक है भाई। जो 1 ढक्कन, तीनों का 1 ढक्कन, एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन 1 ढक्कन, ली 52 1 ढक्कन, भीमराल 1 ढक्कन, 3 ढक्कन आप 2 लीटर पानी में मिक्स कर लो भाई। वही पानी को कबूतर को खाने के बाद वही पानी रख दो, सुबह दो भाई, शाम में दो, कुछ परेशान नहीं है, पर 3 डेज आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा भाई। ये 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन करने के बाद आपको, और 3 दिन कंटिन्यू करने के बाद आपको भीमराल एक्स्ट्रा 2-3 दिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है भाई। एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन और ली 52 भीमराल ये कंटिन्यू करने के बाद, और जो दो चीज़ आपको बताया मैंने वो दो चीज़ नहीं देना है, 3 दिन के बाद आपको ओनली भीमराल 3 दिन चालू करना है, 1 ढक्कन 2 लीटर पानी में मिक्स करके। तो भाई ये चीज़ आप अगर आपके पिजन को अगर ये कंटिन्यू करेंगे हर महीने में या 2 महीने में एक बार कंटिन्यू करेंगे, आपके पिजन में भाई बीमार नहीं आएगा। और जो बहुत ही बड़ा बड़ा बीमार आता है, तो छोटा मोटा भाई सर्दी वगैरह ये तो भाई हमेशा आता रहता है सीजन के टाइमिंग में, पर जो बड़ा बीमारी आता है कि लॉट पूरा ख़त्म हो जाता है, बाहर से कबूतर आते हैं टोटल।
तो भाई आप अगर ये एनरोफ्लोक्सासिन और ली 52 और भीमराल, ये तीनों चीज़ भाई, एनरोफ्लोक्सासिन, ली 52 और भीमराल, ये तीनों चीज़ 2 लीटर पानी में मिक्स करके महीने में 3 दिन, ज़्यादा भाई नहीं देना है। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, ज़्यादा डोज भी आपको नहीं देना है। तो भाई फिलहाल आपका पिजन वीक हो जाएंगे। और एक बात भाई, ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, ये देने के बाद कुछ कबूतर उल्टी भी कर लेते हैं, क्योंकि पावरफुल एंटीबायोटिक रहता है, तो उसके वजह से उल्टी कर लेते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कुछ साइड इफेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अगर आपके पिजन में ये सब बीमारी, आपका लॉट में कभी भी नहीं आएगा, जो लकवा वगैरह जो भी बीमारी रहता है भाई, फिलहाल आपके लॉट में बीमार कभी भी नहीं होंगे। तो भाई आपको डोज ठीक देना है, 1 ढक्कन 2 लीटर पानी में ये तीनों चीज़ मिक्स करके देना है। कुछ भी डाउट रहता है भाई, मेरा नंबर में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप ये चीज़ कंटिन्यू कीजिए, और मेरे को फीडबैक की तरफ से मेरे को कमेंट दिया है, कमेंट बॉक्स में भाई मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार।